गुड मॉर्निंग एवरीबडी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग की बात इसके पहले वाले वीडियो में हुआ था। आप यह भी कह सकते हैं कि सर, अगर आप आफ्टरनून में देख रहे हैं, दोपहर के बाद देख रहे हैं, तो आप यह भी कह सकते हैं सर मॉर्निंग क्यों बोलें। अरे मत बोलिए, गुड आफ्टरनून तो बोल सकते हैं। चलिए आपके लिए स्पेशल गुड आफ्टरनून, और जो इवनिंग में देखेंगे वीडियो को उनके लिए स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो अब चलते हैं, आज आप लोगों को फिर लेकर चलते हैं इंग्लिश की दुनिया में। आप लोग अंग्रेजी बोलेंगे आरकेएम सर के साथ अंग्रेजी बोलेंगे। बस आप तैयार हो जाइए, कॉपी कलम निकाल लीजिए, ताकि जो मैं नोट करवाऊँ आप एक एक वर्ड पर ध्यान दीजिए और आप अच्छा खासा इंग्लिश स्पीक करेंगे। आई कैन टेक गारंटी ऑफ इट कि यू विल स्पीक गुड इंग्लिश। यदि आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करना न भूलें। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। आज मैं आप लोगों को सेंटेंस की रचना कैसे करें। सेंटेंस को रटना नहीं है बच्चों, सेंटेंस को रचना है। रचिए सेंटेंस को और अंग्रेजी बोलिए, रचिए और अंग्रेजी बोलिए। आज मैं एक एक वर्ड, इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था कि एक एक वर्ड पर ध्यान दीजिए, एक वर्ड आफ्टर दैट वन वर्ड आफ्टर दैट वन वर्ड, लाइक दिस मैंने आप लोगों को बताया था। आप लोग ऐसे ही एक एक वर्ड पर ध्यान दीजिए और अंग्रेजी बोलिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, आई कैन, मैं कैन मीन्स क्या होता है, सकना। आई कैन, मैं सकता हूँ। आई कैन, मैं सकता हूँ। ही कैन, वह सकता है। यू कैन, तुम सकते हो। राम कैन, राम सकता है। अब देखिए, आई कैन, मैं सकता हूँ। ही कैन, वह सकता है। यू कैन, तुम सकते हो। राम कैन, राम सकता है। कैन मीन्स होता है सकना। दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ सकना है तो कैन लगाओ, सकना है तो कैन लगाओ। लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होगा, आप देखें मॉडल्स के अंतर्गत आता है। कैन एक मॉडल्स है, और मॉडल्स का जो स्ट्रक्चर है इसका, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वी फर्स्ट प्लस अदर वर्ड। अब दुनिया का कोई भी वर्ड यानी वर्ब लगा दीजिए इसमें, कोई भी वर्ब लगाइए। अब यहाँ पर आई कैन, मैं सकता हूँ। ही कैन, वह सकता है। यू कैन, तुम सकते हो। राम कैन, राम सकता है। अब मैं यहाँ पर वो लिख रहा हूँ कि आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूँ। एक एक वर्ड पर ध्यान दीजिए, आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूँ। अगर यहाँ पर लगा दें तो ही कैन स्पीक, वह बोल सकता है। यू कैन स्पीक, तुम बोल सकते हो। राम कैन स्पीक, राम बोल सकता है। यानी कि कैन के बाद जब भी यूज करना, दुनिया का कोई भी कैन से रिलेटेड हो, सब में भी फर्स्ट लगेगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। कोई भी वर्ब लगाओ और अंग्रेजी को बढ़ाओ, अंग्रेजी बोलो। यहाँ पर है आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूँ। यहाँ पर लगा ही कैन स्पीक, वह बोल सकता है। यू कैन स्पीक, तुम बोल सकते हो। राम कैन स्पीक, राम बोल सकता है। अब यहाँ पर और बढ़ाइए, सेंटेंस को रटना नहीं है, सेंटेंस को रचना है। यहाँ पर रचिए और वर्ड बढ़ाइए, जो भी मन में आए वो वर्ड बढ़ा दीजिए। आई कैन स्पीक, मैं यहाँ पर बढ़ा दे रहा हूँ इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल सकता है। यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। राम कैन स्पीक इंग्लिश, राम अंग्रेजी बोल सकता है। अब और बढ़ा दीजिए इसको, आई कैन स्पीक इंग्लिश विद फ्रेंड, मैं मित्र के साथ अंग्रेजी बोल सकता हूँ। मैं मित्र के साथ अंग्रेजी बोल सकता हूँ। यहाँ पर भी बढ़ाइए, ही कैन स्पीक इंग्लिश विद फ्रेंड, वह मित्र के साथ अंग्रेजी बोल सकता है। इसी तरीके से इसको बढ़ा दीजिए और यह भी हो जाएगा, यू कैन स्पीक इंग्लिश विद फ्रेंड, तुम मित्र के साथ अंग्रेजी बोल सकते हो। राम कैन स्पीक इंग्लिश विद फ्रेंड, राम मित्र के साथ अंग्रेजी बोल सकता है।
कहने का मतलब ये है कि आप वर्ब लगाइए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइए और कोई भी वर्ड जोड़ते चले जाइए और अंग्रेजी बनाते चले जाइए। अंग्रेजी को रटना नहीं है बल्कि उसका स्ट्रक्चर तैयार करना है, उसको रचना है। अब दूसरा वर्ड लगाकर भी देखते हैं, दूसरा वर्ब लगा दीजिए और ये चेंज होगा। जैसे हम कहें यहाँ पर स्पीक के स्थान पर आई कैन डू, यहाँ पर देखिए आगे कोई भी लगाइए, कोई भी वर्ब लगाइए और स्ट्रक्चर तैयार कीजिए। आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, यू कैन डू, आप कर सकते हैं, राम कैन डू, राम कर सकता है, श्याम कैन डू, श्याम कर सकता है। अब क्या कर सकते हो, यहाँ पर आगे आप बढ़ा दीजिए, आई कैन डू, अब यहाँ पर कह दें दिस, मैं यह कर सकता हूँ, ही कैन डू दिस, वह यह कर सकता है, यू कैन डू दिस, आप यह कर सकते हैं, राम कैन डू दिस, राम यह कर सकता है। अब यहाँ पर अगर वर्क बढ़ा दें, आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूँ, राम कैन डू दिस वर्क, राम इस काम को कर सकता है, श्याम कैन डू दिस वर्क, श्याम इस काम को कर सकता है। इस तरीके से कैन से रिलेटेड जितने भी सेंटेंस आपको बनाना है, दुनिया का कोई भी सेंटेंस बनाओ कैन से रिलेटेड, लेकिन लगेगा वी का फर्स्ट फॉर्म ही और कोई फॉर्म इसमें नहीं लगता। तो ही कैन डू दिस वर्क और राम कैन डू दिस वर्क, यू कैन डू दिस वर्क। दूसरा वर्ड इसमें जोड़िए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करिए, कोई भी दुनिया का कोई भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ले लीजिए। आई कैन टॉक, मैं बात कर सकता हूँ, ही कैन टॉक, वह बात कर सकता है, राम कैन टॉक, राम बात कर सकता है, श्याम कैन टॉक, श्याम बात कर सकता है। बोलो बोलो, अंग्रेजी बोलना है तो मुंह तो खोलना ही पड़ेगा, मुंह खोलो, अंग्रेजी बोलो। आप मुंह नहीं खोलेंगे तो अंग्रेजी नहीं बोल सकते। आरकेएम के साथ, आरकेएम सर जी के साथ आपको अंग्रेजी बोलना है तो उनका साथ दीजिए। वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखा करिए, हो सकता है कुछ न कुछ न्यू आपको जरूर लगे, नो डाउट लगेगा ही, क्योंकि वीडियो इक्वल नहीं होता, एक जैसा नहीं होता। तो यहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चर तैयार करें, सब पर यही जो है रहेगा, कैन, कैन के बाद ही का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद कोई भी वर्ड आप जोड़िए और अंग्रेजी बोलिए, कोई भी। अब यहाँ पर देखिए, ही कैन, आई कैन टॉक, मैं बात कर सकता हूँ, ही कैन टॉक, वह बात कर सकता है, यू कैन टॉक, तुम बात कर सकते हो, राम कैन टॉक, राम बात कर सकता है। यह उन सब बच्चों के लिए भी है जो अंग्रेजी से डरते हैं, अंग्रेजी पढ़ने लिखने और बोलने से उनको डर लगता है, उनके लिए भी ये वीडियो है, क्योंकि मैं लेकर आया हूँ सब के लिए, जो अंग्रेजी में ठीक ठाक हैं उनके लिए भी। मैंने ढेर सारा वीडियो अपलोड किया है यूट्यूब पर, चले जाइए यूट्यूब चैनल पर, प्रोग्रेस कोचिंग क्लासेस खोलिए, वहाँ पर आपको ढेर सारा वीडियो मिलेगा। लेकिन कुछ बच्चों ने कंप्लेन किया है, सर जब मैं यूट्यूब खोलता हूँ तो आपका वीडियो कुछ ही मिलता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहूँगा कि आप ये जान लीजिए कि अभी तक जो भी वीडियो अपलोड हुआ है वह 125 एवब है, 125 से ज़्यादा वीडियो है, जिसमें आपका मैथ भी है, इंग्लिश है और साइंस भी है। तो आप कैसे बच्चे जो है सर्च करते हैं, सर हमें मिलता नहीं है, आई कांट गेट व्हेन ओपन यूट्यूब चैनल, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि सबसे पहले प्रोग्रेस कोचिंग क्लासेस यूट्यूब पर जाइए, प्रोग्रेस कोचिंग क्लासेस आप वीडियो आ जाएगा। लेकिन यहीं पर स्टॉप मत होइए, इसके बाद आपको एक गोले में मिलेगा पीसीसी गोले में मिलेगा, रेड कलर का होगा, आप उसको क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको उसके ऊपर लिखा मिलेगा होम, क्या मिलेगा, होम, होम के बाद है वीडियोस और वीडियोस बाद प्लेलिस्ट, इसके बाद चैनल वगैरह वगैरह जो भी हैं। तो आपको सिर्फ यही जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट को अगर आप क्लिक करेंगे तो टोटल क्रम वाइज वीडियो आपका वहां पर आ जाएगा, आपको जो इच्छा हो जिसमें आपको प्रॉब्लम्स हो उस वीडियो को आप देखें और अपने शिक्षा को आगे बढ़ाएं। तो मैं जो बात कर रहा था पीछे कि
कैन का यूज कैसे करें। हर जगह बच्चों को प्रॉब्लम्स होता है, जब भी कैन का यूज बनाते हैं तो कैन के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है और कैन के साथ कोई फॉर्म नहीं लगता है, क्योंकि ये मॉडल्स है, कोई भी मॉडल्स हो उसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। तो दुनिया का कोई भी वर्ब यहाँ पर लगाइए और स्ट्रक्चर तैयार कर लीजिए, क्योंकि उसका फॉर्म ही होता है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस भी फर्स्ट प्लस अदर वर्ड। तो इसी के अनुसार जितना भी सेंटेंस आपको बनाना है, हजारों हजार सेंटेंस बनाइए और सेंटेंस बनाने के बाद बोलने का प्रयास करें, बोलें जरूर। हर सेंटेंस को नोट करने के बाद कॉपी में, इसके बाद उसका ट्रांसलेट करने के बाद उसको जो है बोलें जरूर। बच्चे क्या होते करते हैं, नोट तो कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं लेकिन बोलने की प्रैक्टिस नहीं करते और यही कहते हैं सर मैं 10 साल से अंग्रेजी पढ़ लिख रहा हूँ बट आई कांट हाउ टू स्पीक इंग्लिश। कैसे आएगा बच्चे, कैसे आएगा जब आप सिर्फ पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं लेकिन बोलने की हैबिट नहीं है, बोलना नहीं चाहते हैं, बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप कैसे बोलेंगे। तो सबसे पहले कि आप पढ़िए लिखिए लेकिन उसके साथ उसको ज़रूर बोलिए, बोलिए देख कर बोलिए और इसके बाद विदाउट लुकिंग यू कैन स्पीक इंग्लिश, बिना देखे बोलिए, प्रैक्टिस करिए। तो इस तरीके से आप अंग्रेजी बोलिए और कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख कर नहीं भेजते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम्स है, आप लिख कर भेजें आई विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम्स, आई एम रेडी टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करते, आप लोग हमेशा तैयार रहें, वीडियो को देखते रहें और जो भी प्रॉब्लम्स हो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजते रहें, हम उसका सॉल्यूशन करेंगे, उसको सॉल्व करने का हर संभव प्रयास करेंगे। तो यदि अब देखिए कोई भी हो सेंटेंस, कोई भी स्ट्रक्चर हो, अब कैन पर आप लोग ढेर सारा सेंटेंस बनाए, वह अंग्रेजी लिख सकता है, वह अंग्रेजी लिख सकता है, ही कैन राइट इंग्लिश, मैं अंग्रेजी लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इंग्लिश, आप अंग्रेजी लिख सकते हैं, यू कैन राइट इंग्लिश, राम अंग्रेजी लिख सकता है, राम कैन राइट इंग्लिश, लाइक दिस। आप वहाँ जा सकते हैं, यू कैन गो देयर, मैं वहाँ जा आ सकता हूँ, आई कैन गो देयर, राम वहाँ जा सकता है, राम कैन गो देयर, यू कैन गो देयर, आप वहाँ जा सकते हैं। इस तरीके से सकना से रिलेटेड जितने भी सेंटेंस हैं आप कैन का यूज करके उसको बनाएं और प्रैक्टिस करें और हजारों हजार सेंटेंस बनाएं। तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होगा, तो इसी के साथ अब कैन का यूज करके आप ढेर सारा सेंटेंस बनाइए और अंग्रेजी बोलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।